मऊ थाना क्षेत्र में एक दूसरी बड़ी घटना आज फिर हुई है। बीती रात एक युवती जो 18 वर्ष की लड़की थी उसकी हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि ये 15 दिन में दूसरी बड़ी घटना है। काल्पनिक नाम रानी, पुत्री रमेश, उम्र 18 वर्ष की नृशंस हत्या की गई। वहीं परिजनों ने पहले बलात्कार व हत्या होने की आशंका जताई है। मौके पर पहुंचे जिले के पुलिस कप्तान धवल जायसवाल ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं क्षेत्राधिकारी सुबोध गौतम भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा की है, साथ ही सभी लोगों के मन में भय भी व्याप्त है। आखिर प्रशासन से इतनी बड़ी चूक कहां हो रही है कि लगातार घटनाएं हो रही हैं। लगातार सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही हैं, बेटियों को सुरक्षित करने का दावा कर रही हैं। आखिर चित्रकूट में जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, ये दावे दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें प्रशासन लचर क्यों है, क्यों लापरवाही बरती गई? आखिर सिस्टम इतना मजबूत क्यों नहीं है कि एक बार गलती करने से पहले अपराधी सोचे? एक बड़ा प्रश्न है। मंदाकिनी टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट चित्रकूट। अब इस घटना के बारे में ये स्पष्ट है कि चूंकि लड़की शौच के लिए शाम को आई थी जी जी, और महिलाएं ही इधर आती हैं और शौच के लिए आई, उसके बाद ये लौट कर नहीं गई, तो हम लोगों ने 8 बजे तक, मतलब कोई शंका नहीं थी जी जी, जब 8 बजे तक तलाशें घर परिवार में नहीं मिली तो हम लोगों को शंका हुई। फिर हम लोग इधर जहाँ इधर टट्टी आई थी, इधर हम लोग नाले में अब ये सब रात में जी जी टार्च और यही इसके रोशनी में तलाशते रहे, पूरा बहुत दूर तक गए, जहाँ तक गए जी, लेकिन रात में कुछ अंधेरिया था, कुछ पता न चला। फिर रात में पंडित जी थे, उसे पूछे तो उन्होंने कहा 3-4 लोगों के चंगुल में है वो, अब 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में है। फिर हम लोग ऋषियन मार्ग पर इस मार्ग पर ढूंढे, क्योंकि पहले था कि उसके जीवन को हो सके बचा ले। रात भर करीब हम लोग लौट करके 3:30 घर पहुंचे जी। फिर विचार विमर्श होता रहा, सुबह हो गई। इसमें इस घटना में आपको क्या प्रतीत हो रहा है, ये हत्या ही है कि इसके साथ कुछ और घटना भी? नहीं नहीं, रेप तो हुआ, रेप के पर्पज से ही इसका पकड़ करके ले आए, रेप किए और इसको मार दिया। बलात्कार और हत्या है ये? हाँ, बलात्कार और हत्या हत्या है। हाँ, आपका नाम और आपका नाम और क्या? आरती मिश्रा। इस पर हम स्थानीय लोगों के मतलब को लेंगे कि यहाँ पर ऐसी घटना जो हुई है तो क्या मेन कारण हो सकता है, ये बताएं। कहाँ के निवासी हैं आप? हम लोग बराहा कोटार निवासी। तो यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, किस प्रकार आप इसको देख रहे हैं, हत्या को किस मामले से जोड़कर देख रहे हैं? क्या ये जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हो तो वो लोगों के कारण ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा और कुछ? अब देखिए पिता वो लोग चले नलाला। यहाँ जो ये आज नशन हत्या हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे लोगों का काम हो सकता है, नशेड़ियों का काम हो सकता है, कैसे दुष्ट लोग, किस प्रकार के लोग? उम्मीद लग रही कि नशेड़ी का काम है। यहाँ पर क्या नशा और ये तमाम क्या कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? अब तमाम तो नहीं, पर ये है कि लोग पीपा लेते हैं। हाँ, परमानेंट तो कुछ है नहीं कि एक जगह कोई हवली चल रही है या कहीं पर ठेका है। हाँ, और जैसा आप बता रहे थे कि जुआ वगैरह भी खेल लेते हैं, तो ऐसा हाँ, क्या तो वो तो खेलेंगे जब पैसा पास में रहेगा, जुआ भी खेलते हैं। ना कुट रहा है ये, कुट रहा है सर। मऊ कोतवाली अंतर्गत ये घटना हुई, कैसे क्या मामला है? देखिए, आज प्रातःकाल थाना मऊ के बरहा कुटरा नामक गाँव में एक युवती का शव बरामद हुआ है और परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि इस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की जांच गंभीरता से की जा रही है। डॉग स्क्वाड और फूल यूनिट को बुला लिया गया है जो सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को भी हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण होगा। इसमें SOG की और सर्विलांस की टीमें अलग अलग पृथक रूप में लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।